नमस्कार, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। दर्शकों, विपक्षी दल ये कह रहे थे कि अगर उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा को जम्मू कश्मीर के हालात को सामान्य करना है या उसमें कहीं ना कहीं सुधार लाना है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसा ही प्रयास एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने किया। कल सभी सियासी जमातों के बड़े नेताओं को बुलाया था और ये कहा था कि हालात को कैसे नियंत्रण में किया जा सकता है और श्री अमरनाथ यात्रा 2022 को कैसे कंडक्ट किया जा सकता है और आपकी क्या इसमें भूमिका रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व वहां पे नहीं हुआ और महबूबा मुफ्ती, जो पीडीपी के अध्यक्ष है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, वो इस मीटिंग में नहीं पहुंची। और बार बार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग ज्यादा स्ट्रेस देते थे कि कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा, यानी यू टर्न। क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडर्स हैं वो आवाम के हित में, वो नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन बहाली हो, और अगर खुद ही सुझाव देते हैं उस पर अमन क्यों नहीं करते? इस पर चर्चा करेंगे रतनलाल गुप्ता जी, संभागीय अध्यक्ष एनसी के, एनसी से ताल्लुक रखते हैं। रतन जी, आपका स्वागत है। अजय भारती जी, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र सोनू, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फायर ब्रांड नेता। सोनू जी, शुरुआत आप ही से की जाए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती हैं तो इसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं कि आपको कश्मीरी या जम्मू कश्मीर की आवाम से कोई सरोकार नहीं है, आपने अपनी सियासत देखनी है, आपको पीएजीडी से भी कोई लगाव नहीं है, पीजीडी के सारे सदस्य वहां पे जाते हैं और आप अपने आप को साइड लाइन कर देते हैं। देखिए ऐसे विनोद जी, कि जहाँ तक कल की एलजी साहब की जो मीटिंग थी कल शाम 6 बजे की, उसकी बात है, तो आप जरा देखिए पूरे हालात को पढ़िए कि सुबह 11 बजे मैडम महबूबा मुफ्ती जी के घर पे कार्ड भेजा जाता है, इनविटेशन कार्ड जिसको कहा जाता है, उस पर लिखा जाता है कि एलजी साहब ने एक हाई टी पार्टी के लिए आपको बुलाया है। अगर आपने मीटिंग करनी है, मीटिंग कोई भी होती हो, छोटी मीटिंग भी हो, बड़ी मीटिंग भी हो, मीटिंग का एक एजेंडा होता है, मीटिंग एजेंडे पर होती है, और एजेंडा जो है फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनको सर्कुलेट करना होता है। एजेंडा आपने कोई सर्कुलेट नहीं किया और टी पार्टी एक उसको नाम दिया गया। आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा कि हाई टी पार्टी उसको कहा गया है। अब आप मुझे बताइए कि हाई टी पार्टी एलजी साहब बुलाते हैं तो एजेंडा लिखते कोई नहीं है, तो टी पार्टी है तो टी पार्टी तो आपने जैसे बुलाई, जैसे कोई सरकारी फंक्शनों में बुलाया जाता है ऐसे, अगर हाई टी अब मुझे नहीं पता ये एलजी साहब की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दिखा सकती है हाई टी में क्या ऐसी चीज थी जिसको हाई कर दिया गया, चाहे तो चाहे। लेकिन मुझे, हमें इस बात की आपत्ति है पार्टी लीडरशिप, जो हम जो कहना चाहते हैं कि ये सिंसियरिटी है जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति है। आपकी सिंसियरिटी ठीक है, देख मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ महीने पहले एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग का पहले जब कॉल की गई तो एक हफ्ता पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोन करने शुरू किए और एक लीडर को फोन करके बुलाया गया और मीटिंग का एजेंडा तय किया गया कि कश्मीर इशू पे बात करनी है। वहां पर बात हुई, वहां पर हमारी पार्टी लीडरशिप गई, जिस मीटिंग की खुद ही आप देख लीजिए कि जिस तरीके से बुलावा भेजा गया और बुलाना भेजने के बाद जिस तरीके से टाइम रखा गया। एक चीज में, एक और एड में आपको करना चाहता हूं कि उस दिन मैडम महबूबा मुफ्ती साहब की वहां बीच पे अड़ा, उनकी कब्र पे जाना चाहते थे जी, तो सुबह सिक्योरिटी एजेंसी ने उनको वहां जाने से मना कर दिया जी। वो किसी जियारत पे मथा टेकने जाना चाहते थे, वहां भी उनको मना कर दिया गया। तो शाम को आप कहते हैं कि 6 बजे आपके हाई टी पार्टी है, भाई मीटिंग तो थी नहीं, जहां तो आप उस एजेंडे में जो आपने इन्विटेशन का एजेंडा वहां दिया है, इन्विटेशन आपने कार्ड दिया उसमें मेंशन कीजिए कि मीटिंग है तो मीटिंग किस एजेंडे पे है, तो फिर तो बात बनती है ना। अगर आप अपने घर चाय पर बुलाते हैं, जब कोई भी किसी को चाय पे बुलाता है तो कोई नहीं जाता है, तो क्या उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना है या उसको क्रिटिसाइज करना है? ये तो असूलित, हाँ, अगर आपने उस इन्विटेशन कार्ड पे मीटिंग लिखी है, आपने जो कार्ड भेजा है उसके मीटिंग और मीटिंग का एजेंडा लिखा हुआ है, तो तब तो एक मीटिंग की सीरियसनेस थी। और मुझे बताइए एक चीज हो रहा, मैं देशद्रोह कहां से ले आया बीच में? आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती कभी ना कभी देशद्रोह वाली बातें करती है? मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब है जो बीजेपी, इसको आप जबरदस्ती क्यों लाया, देशद्रोह का मामला क्यों दिया? ना ना ना, चलिए मैं, एक बात हो रहा है, मीटिंग का एजेंडा भी हो गया और मीटिंग की टाइमिंग आप देखिए, शाम को 6 बजे आप बुलाना चाहते हैं और कार्ड आप 11:30 बजे भेजते हैं या इनविटेशन मैसेज आप 11:30। मुझे बताइए ये कौन सी सिंसियरिटी है? अगर मैडम सिंसियर होती तो जाकर के वहां पे अपने इश्यूज रखती,
जो जनता की मैं कह रहा हूँ हाई टी पार्टी पे क्या इश्यू रखा जाएगा मुझे बताइए। हाई टी जहाँ तो मीटिंग भी लिखी है, आपने तो मीटिंग भी नहीं लिखी। आपका मतलब मेरा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है, रतनलाल जी, ये मान लिया जाए कि पीएचईडी का अभी से विवादन शुरू हो गया है, अगर वाकई में अगर महबूबा मुफ्ती को लगा कि हाईटी पे बुलाया, कम से कम वो बाकी वाले घटक दलों से पूछती कि वाकई में चाय पे जाना बात हुई है डॉक्टर साहब की, वो बताएंगे गुप्ता साहब। नहीं, एक बात तो इनकी बिल्कुल दुरुस्त है, मिले सुर ये सिंसियरिटी जो होनी चाहिए। मीटिंग आप अपोजिशन लीडर्स को बुला रहे हैं जी, डेमोक्रेसी में अपोजिशन लीडर्स की जो है रूह होती है, अपोजिशन जो होती है रूह होती है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी में रूह होती है अपोजिशन। और आप क्या सेंटर में और क्या यहाँ जम्मू में, जम्मू कश्मीर में आप अपोजिशन को कितनी अहमियत दे रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? आपने प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई, तमाम अपोजिशन के लीडर दिए जी, वहाँ उनकी क्या इज्जत हुई, क्या कहा गया उसमें? उन्होंने एक ही बात सब ने मिलकर कही, साहब हमारा स्टेटहुड जो आपने लिया है उसको वापस किया जाए जी। वहाँ क्या डिस्कशन हुई, उसका क्या आउटकम हुआ, क्या रिजल्ट आए, क्या इज्जत हुई उनकी, ये आपके सामने है। और आज मैं तो शुक्र करता हूँ बम बम बोले का, ये तो पहली मीटिंग उन्होंने बुलाई है अपोजिशन लीडर्स की जी। भगवान भोलेनाथ का मैं शुक्रिया करता हूँ कि भाई उनके नाम पे ही चलो, इनको याद आया, देर से आए दुरुस्त आए, तो हाई टी पार्टी पे ही बुलाया। जो मीटिंग में शामिल नहीं हुई उनको लेकर क्या, मैं उनके लिए भी आ रहा हूँ, वही भी आ रहा हूँ, वहां भी आ रहा हूँ, ये चलो शुक्र है भोलेनाथ का कि उनके ही समझ ले देर से आए दुरुस्त आए, इनको थोड़ी सी अब मैं कह नहीं सकता ऐसी बात कि भाई इनको थोड़ी सी बेटर सेंस प्रवेल हुई कि अपोजिशन को इन्होंने बुला के कम से कम कुछ पूछने की मतलब जहमत फरमाई, और वो भी हाई टी के नाम पे। ठीक बात है, ये अगर सिंसियरिटी होती थोड़ा इनमें थोड़ा होता तो वहां एजेंडा होता कि साहब आज इस एजेंडे पे हम बात करने जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करने जा रहे हैं, हम इलेक्शन पे बात करने जा रहे हैं, हमारे ये जो बात तो कुछ नहीं दिखा उसमें, एजेंडा तो था ही कुछ नहीं, तो ये पॉलिटिकल तो ना। देखिए दूसरी बात, हमारे टाइम में एक बात नहीं, अपोजिशन लीडर्स की कितनी रिस्पेक्ट होती थी, आपको याद होगा जिनेवा में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए वाजपेयी साहब को डेलीगेशन का चेयरमैन बना के, डेलीगेशन का हेड बना के उनको भेजा, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी दिए, और उन्होंने जिस ढंग से हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन की आज भी ऐतिहासिक बात है। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये रुस्मन बातें करना छोड़ दीजिए, अगर आपने मीटिंग बुलानी है एजेंडा देकर मीटिंग बुलाइए, सिंसियरिटी से बुलाइए, और अपोजिशन तो तैयार है, हर वक्त तैयार है आपसे कोऑपरेशन करने के लिए, एक आप हैं जो कोऑपरेशन लेने के लिए तैयार हैं। बड़े सिंसियर और सीनियर लीडर है, सबसे सीनियर, बड़े कद्दावर लीडर है, सुलझे हुए सियासत में भी सुलझे हुए, अगर उनको पता था एजेंडा कुछ नहीं है तो क्या ईडी के डर से वहां पहुंचे वो? किसके नहीं, हमारा तो फर्ज है, अगर बुलाया उन्होंने हाई टी चाय पे बुलाया है, फर्ज इन्होंने नहीं वादा किया ना, चाय पे बुलाया है, जाना हमारा फर्ज है, पीडीपी ने फर्ज अदा नहीं किया। नहीं, देखिए पीडीपी अपना मुश्किल है, रोष था उनको, रोष था, बोलो मैं समझता हूँ हो सकता है उनको रोष हो इस बात पे जी, साहब जब हम वहां गए दिल्ली में गए दिल की दूरियां मिटाने के लिए, वो तो कह रहे थे कि भाई मैं तो दिल की दूरियां मैं मिटाना चाहता हूँ, कितनी मीटिंग है आप बताइए हमें जी। बात ये है कि साहब यहाँ पे कोई भी अपनी अपनी जगह अपनी जो भी पॉलिटिशियन है उनको रोष हो सकता है कि साहब आप आज बुला रहे हैं और हाई टी पे बुला रहे हैं, जबकि यहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ लोग किस ढंग से, क्या आप नहीं देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से पानी की कितनी किल्लत है, बिजली की कितनी किल्लत है, या किस ढंग से लोगों को परेशान किया जा रहा है? अजय जी, ये मान के चला जाए कि आप ईडी का डर सबको दिखा सकते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती पर आपका ये डर नहीं चलता है। एक गाना सुना कर देते हैं हमारे, छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं, सारे बहाने हैं, आप सम्मान करिए तब उसको दूसरे ढंग से लेंगे, एजेंडा देंगे तब उस पर दूसरे ढंग से क्रिटिसाइज करेंगे, एजेंडा दिल्ली में भी था उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, और यहाँ पर कम से कम अगर मान लीजिए आपने अपना प्रोटेस्ट ही रजिस्टर्ड करना है, उसका भी एक जो मैच्योर लीडरशिप होती है उसका भी एक अपना तरीका होता है, उसको कैसे रजिस्टर करें।
लेकिन कुल मिलाकर एक बात जो मोटे तौर पर हमारे दोनों साथियों ने, सहयोगियों ने करी, वो ये था कि अपोजिशन का रेस्पेक्ट नहीं होता है। ये जिसको जितना पहले मैं उसको गलत कहूं कि ये टोटल गलत है, लेकिन अपोजिशन का बिहेवियर भी इतना इररिस्पॉन्सिबल कभी नहीं रहा है। जब जेनिवा की बात अभी हमारे गुप्ता साहब कह रहे थे किन्होंने भेजा था, अगर आप याद करेंगे जिन्होंने भेजा उनको आज याद, उनके नाम लेवा आज उनकी अपनी पार्टी में नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव जी ने भेजा था। ये डायनास्टिस से बाहर जब निकलते हैं तब की अप्रोच और उसमें अंतर होता है, एक ये तो बात। दूसरा, जो पहले की अपोजिशन है जिसमें विशेषकर मैं बहुत फख्र के साथ, गर्व के साथ अपने नेतृत्व का जिक्र करना चाहूंगा, उन्होंने कभी चाइना को रिक्वेस्ट नहीं की कि हमें 370 वापस दे दीजिए, उन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा, उन्होंने उस तत्कालीन प्रशासन के हर तरीके से, चाहे वो गलत भी थे, तब भी उनकी सहायता की और कहा कि हम अवेलेबल है आपकी हर उस एक्शन को जो देश हित में है, उसके हित में है, हम आपके साथ खड़े हैं। 1971 में अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी के साथ जिस प्रकार का सहयोग किया, इतना ही नहीं, जिस प्रकार से आप याद कर लीजिए जब भारतीय जनता पार्टी केवल 2 मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे 1980-82 में, तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जो लैंग्वेजेस यूज की उसको इग्नोर करके हमारे मेंबर्स ने जो प्रकार से सहयोग हो सकता है खासकर नेशनल इंटरेस्ट में, हाँ अपोजिशन होती है, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होती है, आपको क्रिटिसिज्म करने का पूरा हक है, आपको हर गवर्नमेंट एक्शन को तोलने का अधिकार है। और कहां अपोजिशन को अपनी गर्दन खड़ा करने देते हैं आप, इतनी सारी एजेंसी है किस लिए रखी, वो अपना काम तो करते ही नहीं है, वो पार्टी के डायरेक्शन पे, सरकार के डायरेक्शन पे, ऐसा आरोप लगता है विपक्ष के लोग लगाते हैं। एजेड पिजन कम से कम हमारे समय में तो किसी ने नहीं कहा, इसलिए इन एजेंसियों ने पहले क्या किया है, कितनी बार पहले याद कर लीजिए 1980 में जब दोबारा कांग्रेस की सरकार आई थी, जो अपोजिशन की पार्टियां थी जिन जिन जगहों पर सरकार थी उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था, स्वयं फोन करके प्रधानमंत्री जी ने उनको किस तरह से धमकाया गया, वो एक रिकॉर्डेड है, उसमें जाना नहीं चाहिए, वो मैं अलग बात कह रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन जब भी आप, चाहे राजनीति में, पॉलिटिक्स में, आप कभी सरकार में होंगे, कभी सरकार के बाहर भी होंगे, लेकिन नेशनल हित हमेशा राष्ट्रीय हित ही रहेगा, उसमें से इन सारी चीजों से ऊपर उठकर आप जो पॉलिसीज को, हम चाहे वो सेना की एक्शन हो, चाहे मैंने उदाहरण दिया आपको कि 370 हटा, इसको आप चीन के साथ जाएं वापस रेस्टोर करेंगे क्या, और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे व्यवहार वैसा हो। इसके बाद भी मैं जिस पॉइंट पर स्ट्रेस करना चाहता हूं, इस उसके बाद भी हमारी सरकार ने, हमारे नेतृत्व ने हर एक को उनके अधिकार के हिसाब से और उनके जो उनका रुतबा है उसके हिसाब से अकोमोडेट करने की पूरी कोशिश करी है, बार बार करी है, स्कोप दिया है। फेस पर तो आपने 2 इवेंट्स देखे, लेकिन इसके बगैर भी ऐसे कितनी ही बार इनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए कहा गया, इनकी रोल को और एनहांस करने के लिए ये किया, लेकिन जब भी सरकार कोई एक्शन उठाते हैं आप मुझे पूरा करने देंगे, पूरा एक सेंटेंस, जब देखिए पंचायत का इलेक्शन हुआ, अब बायकॉट करेंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही अब अलग कर देंगे, बीडीसी का, हाँ जब डीडीसी का हुआ, क्योंकि तब आपका, मेरा ये कहना है कि अपोजिशन को भी अपोजिशन में रहते हुए रेस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, रहना चाहिए, बस इतना ही। सी वरिंदर जी, अगर महबूबा मुफ्ती जाते हाई टी पे जा करके हाई वाली बातें करते, अच्छे से बातें करते, और जो इश्यूज हैं, जो वाकई में आपको लगता है इश्यू प्रवेल कर रहे हैं, जो कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो इसलिए युवाओं को मार रहे हैं, गन वाले युवाओं को, मिलिटेंट्स को मार रहे हैं, क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए और कैश प्राइज चाहिए, कम से कम वो मुद्दा उधर रख लेती चाय पीते पीते। आपको कश्मीर से हमदर्दी नहीं है, आप साइड में रह करके लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं ताकि आप जब इलेक्शन हो उसका बेनिफिट ले सके। देखिए ऐसे विनोद जी, कि जहाँ तक आपने महबूबा जी के बयान की बात की है, पहले तो हाई टी पार्टी की अगर मैं बात कर लूँ, ये देखा जाता है कि सीरियस क्या है और सीरियस क्या नहीं है। कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटी से एक होती हैं और कुछ होती है कि सरकार उसमें सीरियस होती है। अगर ये LG एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस थी, क्योंकि मीटिंग तो LG एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाई थी ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं ना बुलाई थी, LG एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग बुलाई थी। अगर सरकार सीरियस थी तो यात्रा शुरू होने के बाद मीटिंग करनी थी, 2 दिन पहले, क्या LG साहब के पास टाइम नहीं था 2 दिन पहले? आप अगर आप सीरियसनेस उस मीटिंग में लाना चाहते हो, आप हाई लेवल मीटिंग बुलाइए, एजेंडा सेट कीजिए, हाई कप ऑफ टी रहने दीजिए ना।
आप फार्मर चीफ मिनिस्टरों को बुला रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेताओं को बुला रहे हैं और लिखते क्या है, हाइटी। आप मुझे बताइए, एक चीज है कि जो हम कहना चाहते हैं उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर सरकार सीरियस थी इस मीटिंग के लिए, जो बाद में हमने एजेंडा, बाद में जो बाइट दी गई तो उसमें एजेंडा की हमने अमरनाथ यात्रा की मीटिंग के लिए बुलाया था जैसे गुप्ता साहब ने भी कहा, तो भाई सरकार दो दिन पहले कहां थी? दो दिन पहले जो मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। और दूसरी मैं बयान की अगर बात करूं, आप हमारी सीरियसनेस की बात जो करते हैं, महबूबा जी ने दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने देखी होगी, उन्होंने यात्रा का तो वेलकम किया था और सभी समुदाय और पूरे कश्मीर को अपील की थी कि भाई ये यात्रा के जो लोग आ रहे हैं, ये हमारे मेहमान है, हमारा सरमाया है, हमने साथ होकर यात्रा को करना है और इनका वेलकम करना है। मुझे आप बताइए कि क्या, जैसे गुप्ता साहब ने भी कहा कि क्या ये भोले बाबा के नाम पे भी सियासत करना चाहते हैं? मीटिंग आप लेते हो अमरनाथ यात्रा कंडक्ट करने के लिए, तो आप बुलाते हो हाइटी पार्टी, मीटिंग की आपकी सीरियसनेस नहीं है। और दूसरी बात इसमें जो बड़ी अहम बात है कि टाइमिंग आप देखिए, 11 बजे बुलाते हैं जी, 6 बजे आपने आना है। ये तो एक हमारी डोगरी कहावत में कहते हैं ना, आखड़ली कीता कि ठाकड़ली कीता, ये मैसेज आखड़ वास्ते कीता कि ठाकण वास्ते कीता? इन चीजों को भाई समझना पड़ेगा। भारतीय जनता, फिर मैं कहता हूं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीय जनता पार्टी चला रही है। और दूसरी बात, इन्होंने अभी जो लैंड ऑर्डर की बात की है, भाई लैंड ऑर्डर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग शीर्ष जो है, शीर्ष मतलब वो कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो आप क्या कहते हैं? उनका जवाब अजय भारती साहब देंगे, इनकी सुनवाई होती है कि नहीं होती है, फिर इतने दिन बड़े पोस्टर क्यों लगाते हैं कि हमारा शासन, उनका जवाब वो देंगे। मैं इस बात पे आऊंगा कि अगर आप सीरियस हो तो भाई आप लैंड ऑर्डर पे क्यों नहीं, एलजी साहब ने पिछले दो साल से एक भी मीटिंग बुलाई? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो मीटिंग बुलाई थी, उसका एजेंडा सेट था, तो हमारी लीडरशिप वहां गई, वहां बात की, तो मुझे बताइए एक साल हो चला उस मीटिंग को भी, उस एक साल के बाद कोई बताइए उसके ऊपर कार्रवाई कोई की गई हो? इन्होंने पंचायत इलेक्शन की बात की है, भाई पंचायत इलेक्शन डीडीसी का इलेक्शन आपने लड़ा, सबने लड़ा, सारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने लड़ा, पंचायत इलेक्शन का जो हमारा जो उसमें बाइकाट था कि हमें खदशा था कि आप लोग हमारी बात सुनते क्यों नहीं है। आप जम्मू कश्मीर को एक मुझे आप बात बताइए, कोई आज स्टेट है, कोई आज स्टेट है, कोई जम्मू हिंदुस्तान में पूरे में कोई स्टेट है कि जिनके लीडरों को आप भिखारी बनाना चाहते हो कि हमसे आके स्टेट वोट मांगो, जब 35 मांगो, जब 370 मांगो? भाई आप मुझे बताइए कोई स्टेट है जिसके बशिंदों को पिछले 4 साल से जमहूरियत से महरूर रखा गया है? कोई स्टेट है हिंदुस्तान में? मुझे आप बताइए, चुनी सरकारें आप तोड़ते हो, अपोजिशन के लीडरों को आप क्या समझते हो? दूसरी बात, इन्होंने जो आपने एजेंसियों की है, भाई इन्होंने कहा कि जब हमारे दो मेंबर पार्लियामेंट थे, हम तब भी सरकार में थे, चिंता मत कीजिए भारती साहब, वो दो मेंबर पार्लियामेंट का भी टाइम आपका आने वाला है, जो आप जम्मू हिंदुस्तान के लोगों के साथ आप कर रहे हो, ये जोर जबरी का टाइम कितनी देर चलेगा? लेकिन हम एक बात इसमें क्लियर करना चाहते हैं, एक बात इसमें क्लियर है कि एक तरफ से आप हमारी लीडर को सुबह मुफ्ती साहब के मजार पे नहीं जाने देते, जियारत पे उन्होंने किसी मत्था टेकने जाना था नहीं जाने देते, तो 11:30 आप कहते हो 6 बजे चाय पीने के लिए आ जाओ, उस इनविटेशन में भी आप एजेंडा मीटिंग नहीं रखते, तो आप मुझे बताइए कि आप इस बात पे जवाब दीजिए, आपकी सीरियसनेस है कहां? जी जी, वो सीरियसनेस हमें बताइए। रतला जी, आप हमें बताइए कि आपको पहले से पता था कि इस मीटिंग के आउटकम कुछ निकलने वाले नहीं है, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्यों शामिल होते हैं? ये मान लिया जाए कि पीएचईडी में गुटबाजी बिल्कुल सामने आ गई इस मीटिंग के बाद, हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, सभी ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, डेमोक्रेसी प्रोसेस को हम बिल्कुल, उस वक्त जिस वक्त आप उसकी बात कर रहे हैं, उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने कत्ल किया था, किस ढंग से आपने किया ये सिस्टम, सारी हमारा स्टेट रूट खत्म हो गया, उसके बाद जो भी किया आपने, हमारी जो 370 ये सब कुछ आपने ले लिया, तो उस वक्त आप कह रहे हैं कि आप, हमने आपका सब कुछ छीन भी लिया और आप आइए पंचायत इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, वो बात नहीं है। सवाल ये है, इस वक्त आज का टाइम ये है कि हमें अपोजिशन को अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो अपोजिशन की बात भी सुनिए ना जी। रस्मन क्यों बुलाते हैं आप उसको, हाईटी के नाम पे आप बुला रहे हैं उनको कि साहब आइए और अमरनाथ यात्रा के जो हमने इंतजाम किए हैं उनको, उन पे आप मोर लगाइए। बिल्कुल सरदार साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि साहब करने से पहले बुलाइए ना उनको कि साहब हम ये करने जा रहे हैं, आप इसमें हमारा क्या सहयोग देंगे जी। बात तो ये बनती है जी।
लेकिन वो बात करते नहीं है, ये करने के बाद ही बुलाया उन्होंने कि आइए आप चाय पिए, और उनको बता दिया साहब हमने ये इंतजाम किए हैं जी। आप अजय जी, ये मीटिंग की या फेस सेविंग था? अगर मीटिंग करनी होती एक हफ्ता पहले बुलाते हैं, अमरनाथ यात्रा से पहले सहयोग लेते हैं इनसे, कहते कि आपने अपने कारकुन को कहिए जाएं वो फील्ड में और इनका स्वागत करें जो बाबा बर्फानी के वक्ता है। हमारे जो दोनों सहयोगियों ने जो बातचीत की, अगर आप उसको निचोड़ लेते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आती है, जो इन पार्टीज के बिहेवियर में पिछले 7 दशकों में झलकता भी था और एक्शन में दिखता था, वो ये है कि आप 87 मेंबर यहाँ पर असेंबली के थे, थोड़े 36 मेंबर अपर हाउस के थे, इस लिमिटेड कंपनी में आप काम करेंगे तो हम आपके साथ है, जब आप लोगों को एम्पावर करेंगे तो हम उसके साथ नहीं है। इसलिए पंचायत इलेक्शन जब आम आदमी को एम्पावर करता है तो हम उसको होने नहीं देंगे, आम आदमी की तकलीफें जितनी बढ़ेंगे हम तब खुश हैं, तब हमारी बात वो मान लीजिए। इसलिए पंचायत इलेक्शन का बाइकॉट होता है। आप ये कहते हैं कि आप देखिए फिर बिहेवियर कैसे कि हमें जाने नहीं देगा, हर बार जब भी यानी एक आध बार छोड़ दें तो बाकी जितनी बार भी आज की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कि मैं नजर बंद हूं, पुलिस ने हमेशा डिनाई किया है कि नहीं आप कहीं नजर बंद नहीं है। हाँ, कहीं किसी एरिया में आप किसी को प्रवोक करने के लिए जा रहे हैं, किसी की डेथ हुई है उस ढंग से जाते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर आपकी रेस्ट्रिक्शंस है, कभी नजरबंदी नहीं की है, पुलिस का स्टेटमेंट है, मेरा अपना स्टेटमेंट नहीं है, और एक बार नहीं हुआ कई बार हुआ है। अपोजिशन फिर मैं कह रहा हूं कि आप याद करिए, अभी 370 और 35A को दोबारा उस गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ रहे हैं, आप ये बता दीजिए वाल्मीकि क्या यहाँ के रहने वाले नहीं थे क्या? उनके साथ आपने जो अन्याय किया था वो जस्टिफाइड था, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में था। आपने यहाँ पर जो गोरखा समाज था या जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज आए थे उनके साथ जो या माइनॉरिटी कब तक ये पुराना समाज नहीं, जो अभी बात आई मैंने शुरुआत नहीं की, विपक्षी दलों की तरफ से आया, मैंने इस वजह से कहा दैट हैज गॉन फॉर गुड, यहाँ के लोगों के हित में गया है। स्टेटहुड प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी एश्योर किया है, वो तो निश्चित रूप से आएगा, स्टेटहुड कोई छीनने वाला नहीं है। रही बात जो बाकी स्टेट्स की तरह ये है, बाकी स्टेट्स में इस तरह से अलगाववाद को पोषित नहीं किया गया, उसको कल्टिवेट नहीं किया गया, सेपरेटिज्म को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से सेपरेटिज्म की तरफ पुश नहीं किया गया। इसलिए जम्मू कश्मीर के इन हालात में जहां पर अभी है, इसके लिए वो सारे शासक जिम्मेवार है जिन्होंने 1947 के बाद यहां पर शासक वरिंदर जी का सवाल ये था कि वो अगर बिजबिहाड़ा जाना चाहती हैं तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, और आप जब चाय पे बुलाते हैं तब इसी तरह का सुरक्षा? मुझे नहीं मालूम है कल कि उनको रोका गया, क्योंकि कोई ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं। मालूम है ना जिनको रोका गया, वही मैं कह रहा हूँ कि ये मैं वो ना सेल्फ वो वैसे होता है, मुझे ध्यान में नहीं करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं ये एक बार नहीं हुआ है कि हमने कई नेताओं के देखे कि गेट के पास आकर देते जी मुझे जाने नहीं देते, जबकि सिक्योरिटी वाले वहीं पर कहते नहीं जी हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, आपको अपने कहाँ जाना है वो क्वालिफाइड है, उसको मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा यह कहना है कि आप किसी भी बहाने मना करना चाहते हैं, आप खुलकर कहिए ना कि नहीं जी हमने आपका सहयोग नहीं करना है। और जब आप देखेंगे अमरनाथ यात्रा पर भी जो स्टेटमेंट भी आया है, जो ट्वीट आया वो क्वालिफाइड स्टेटमेंट है, उसके साथ आज रिकॉर्ड टूरिस्ट कश्मीर में है, उनके से दिक्कत होती है क्या वहां की जनता को? और आप ये कहते हैं कि आप प्रवोक कर रहे हैं कि यात्रा से लोग यात्रा से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किन यात्रियों से वहां की जनता को दिक्कत हुई? एक तरफ आप एक स्टेटमेंट करें, ये ट्वीट है तो क्वालिफाइड आप उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा डालना चाहते हैं, प्रक करना चाहते हैं, ये शोभा देता है क्या जो इसे ट्वीट सरदार साहब बताएंगे किन्होंने कहा? नहीं नहीं, हम मैं मेरी बारी पे मैं बोलूंगा जरूर। सरदार साहब भी कहेंगे किन्होंने कहा? बात साहब ऐसे है, मैं ट्वीट दिखाऊंगा, आप सुनिए, मैं बताता हूं, भारती साहब ऐसे है कि आपकी मतलब जो पार्टी का स्टैंड है आप वही लेके जाएंगे लोगों में, ये तो नेचुरली सी बात है। और दूसरी बात ये है कि उस पर गर्व है, नहीं उस पे तो 95% झूठ चलता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दो चीजें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। मुझे बताइए ये अमरनाथ यात्रा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार कर रही है कश्मीर में, इससे पहले भी हुई है कभी? आप क्यों ये पूरे देश में ऐसा माहौल बना के दिखाना चाहते हैं कि यात्रा हम ही कर रहे हैं? ओ, आप तो बंद करवाने वाले हो,
आपने तो 5 अगस्त 2019 को यात्रा बंद करके पार्लियामेंट में तोड़ा था। झूठ मैं झूठ कह रहा हूँ, चैनल में बैठा हूँ। क्या मैं चैनल में बैठा हूँ? आपने चलती यात्रा बंद की थी कि नहीं की 5 अगस्त 2019 को? बताइए मुझे चैनल पे, दो जवाब भारती साहब। आपने भोलेनाथ को आजर नाजर समझ के आप जवाब दो। आपने 5 अगस्त 2019 को यात्रा बंद की कि नहीं की? भोलेनाथ यात्रा आजर नाजर जान के 2019 की यात्रा बोला चैनल पे 5 अगस्त 2019 को आपने यात्रा बंद की। विनोद जी मुझे बताइए बंद हुई कि नहीं हुई? विनोद जी बंद हुई कि नहीं हुई? बीच में मैं नहीं, आप सुनिए, आप चुप रहिए। एडवाइजरी आई जो बोला नहीं नहीं डेमोक्रेसी में गलत नहीं है मेरे टाइम पे आप ऐसे क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं एडवाइजरी सिंह साहब 5 अगस्त 2019 को यात्रा बंद हुई कि नहीं? एडवाइजरी आई थी बाहर से। नहीं नहीं देखिए गलत लोग हैं ये, क्या यात्रा की बात करेंगे? विनोद जी मुझे बताइए, लोगों को वर्गला कर झूठ बोलकर क्या कहते हैं? बोलने नहीं देंगे, झूठ बोल रहे हैं। इनकी इनकी डेमोक्रेसी इनको डेमोक्रेसी ऐसी है। 2019 को यात्रा आपने बंद की? विरोध करता हूं मैं। नहीं की? बोलने देंगे, बोलने देंगे, बोलने 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 चुप चुप करके क्या? चलिए तभी तो बोलेंगे। चलिए बात, यात्रा रोकी थी क्या? एडवाइजरी की थी यात्रियों को जाने के लिए यात्रा? फिर बोल रहे हैं बीच में आप, मैं में बोल रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, बता दीजिए यात्रा को स्टॉप किया गया। आप झूठ बोल रहे हैं और हमेशा आपकी बात झूठ बोल रही है। यात्रा रोकने का ऑर्डर दिखा दीजिए, ऑर्डर दिखा दीजिए। आप यात्रा का स्टॉप, यात्रा स्टॉप करने का ऑर्डर दिखा दीजिए। आपने यात्रा यात्रा को स्टॉप करने का ऑर्डर दिखा दीजिए। आप झूठ भारती जी कह रहे हैं कि आप ऑर्डर दिखा दो दीजिए, जिसमें कहा गया कि यात्रा को स्टॉप कर दीजिए, यात्रा दीजिए, मुझे तो माफी मांग लीजिए, लोगों से माफी मांग लीजिए, झूठ झूठ बोलने के लिए आपको मांगनी है, झूठ बोलने के लिए माफी मांग लीजिए, लोगों को गलत जानकारी देने के लिए माफी मांग लीजिए। पूरा मीडिया जानता है आप झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, जानकारी दे रहे हैं। स्टेटमेंट दिखा दीजिए, अगली बात मैं और क्लियर करता हूँ आपको। सिर्फ आपकी नेता के ऊपर बात आ गई यात्रा के बारे में क्वालिफाइड स्टेटमेंट भी क्लियर कर रहा हूं। आप चिट गए, उसको भी क्लियर कर रहा हूं। मेरी उसको कर दीजिए, मैं अभी गाजी को दिखाता हूं ट्वीट क्या आया। ट्वीट आया, आज सोशल मीडिया का जमाना, कोई झूठ ही नहीं बोल सकता। बात ऐसे है, यात्रा के को सब लोग वेलकम कर रहे हैं। यात्रा की स्मूथ कंडक्ट के लिए अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है तो बात कश्मीर के अवाम से कीजिए, कॉन्फिडेंस में कश्मीर के अवाम को लीजिए। दूसरी बात जो उन्होंने की आज, मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुन लीजिए आप, कि आप यात्रा आएगी कश्मीर में, यात्रा का एक तो यात्री आएंगे और भी कश्मीर को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपने केपी रोड सारी बंद करवा दी दुकानें, आपने पंथा चौक सारा बंद कर, अब ये ना कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, अब ये भी ना कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। स्टेटमेंट आप सिर्फ और सिर्फ यात्रा के नाम पर भी लोगों को भड़काना चाहते हो। हम ये कहते हैं कि अगर आप लोग सीरियस हो, मतलब आप आपके मन में आप सीरियस है, अगर है स्टेटमेंट पढ़कर पढ़कर है क्या देता हूं? उन्होंने ये कहा है कि भाई आप मुझे सवाल ये उठता है कि हालात नासाज हैं, इसको साजगार बनाने के लिए अगर प्रयास किया जाता है तो मुझे लगता है कि सबको इसमें अपने एफर्ट्स जो है लगाने चाहिए। वेलकम करते हैं, तो वेलकम करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो इन्होंने हालात बनाए हैं इन दिनों, आप पिछले 6 साल से, हम तो चाहते हैं कि साहब इनको ठीक कीजिए, हमारा जो सहयोग आप कहते हैं हम हाजिर हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जिस परेशानी में, जिस दुविधा में, जिन तकलीफों में जम्मू कश्मीर के लोग जूझ रहे हैं, इस दर्द से इनको निकालना चाहिए और उसके लिए हम हर सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अननेसेसरी पेरोनिया है कि यात्रियों की सुरक्षा करें, ये अननेसेसरी पेरोनिया है क्या? यात्री आप इंट्रूडर्स को मारते हैं, यात्रियों की सुरक्षित रख करना क्या ये गलत है? जी। ये चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरह से यात्रियों की कष्ट पूछे, उनकी सुरक्षा में चूक हो, ताकि ट्वीट पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आप हमारे कार्यक्रम में। अजय जी आप आज बड़े तेवर में थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रतनलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, यात्रा ठीक से कंडक्ट हो, हम यही कामना करते हैं, बाबा बर्फानी के भक्त सुरक्षित रहे। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।